देखो बाबू, कल हम केस पढ़ रहे थे और केस में हम जानते हैं इस चीज की नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव और वोकेटिव केस को क्लियर कर लिए थे। तो बोले थे सब बाबू क्वेश्चन आता नहीं है, बस नॉलेज के लिए तुमको पढ़ाए जा रहे थे। आज जो चलेगा नाम है पोसेसिव केस और सारे क्वेश्चन तुम्हारे बाबू इसी से पूछते हैं। तो पहला हेडिंग बनाओ पोसेसिव केस, पोसेसिव केस। देखो पोसेसिव से मतलब बाबू क्या होता है, ऐसे बनाया बाबू पोशेस, क्या बनाया बाबू पोशेस। इस पोशेस का अर्थ होता है बाबू अधिकार, क्या होता है अधिकार होता है। यदि जहां तुमको पोशेस दिखाई पड़े तो समझना बाबू क्या है अधिकार है, क्या है अधिकार। और इस अधिकार का मतलब होता है किसी को अधिकार दिखाना। जैसे बाबू कोई शब्द में तुमको लग गया ऐसा कोई चीज दिखाई पड़े कि इसमें अधिकार है तो पोसेसिव केस में बाबू आएंगे। देखो पोशेस एक तुम्हारा वर्ब है, इसमें बाबू आई वन लगता है, तो बताए थे जब किसी वर्ड के लास्ट में आई ओ एन दिखाई पड़ेगा तो हम समझेंगे बाबू क्या है ये नाउन है, जबकि आई भी ई दिखाई पड़ेगा तो हम समझेंगे बाबू एडजेक्टिव है। ये तुमको बार बार बताए जा रहे हैं, है कि नहीं है। तो पोजेशन से ही बाबू पोजेसी बना है। आप देखो इसको जानने के लिए हमको थोड़ा सा जानना पड़ेगा कि देखो बाबू क्या है ये। कोई भी नाउन बाबू जो होता है क्या होता है, ये तो अब लिविंग होता है ना, एक लिविंग होता है, एक तुम्हारा नॉन लिविंग होता है, एक बाबू लिविंग एक नॉन लिविंग होता है। इस बात में कोई डाउट नहीं कि नॉन बाबू जो नॉन तो है एक लिविंग या नॉन लिविंग। तो बाबू हम पेड़ पौधे को किस में रखते हैं, ऐसे बाबू लिविंग है इंग्लिश में, नॉन लिविंग में रखते हैं। आप देखो तो बाबू जो नाउन तुम्हारा लिविंग और नॉन लिविंग का व्याख्या कर रहे हैं, तो पहले आप देखो बाबू तुमको इसमें देखते हैं हम लोग। तो लिविंग बाबू क्या जाएगा, क्योंकि बाबू अधिकार कौन दिखाता है, अधिकार कौन दिखाएगा, लिविंग दिखाएगा ना कि नॉन लिविंग दिखाएगा। ये पिज्जा जो कुर्सी पर आ फेंका हुआ है बोलेगा कि हम पे मतभेद हो, हम पे कोई बैठेगा तो हम उड़ जाएंगे, चाहे बोलेगा क्यों हमको दिमाग खराब कर रहे हो तुम मेरे देह के ऊपर बैठ के, तो क्या बोल सकता है ऐसे, जो जैसे मन तैसे वो फेंक देंगे, धूप में सुखा देंगे, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ नहीं बोलेगा। इसलिए वो अनर्जीव है, जो अनर्जीव है लेकिन सजीव तुम्हारे देह के ऊपर कोई बैठ जाए तो बोलेगा अरे हम दादा उठता है कि नहीं उठता है, दिमाग खराब कर रखा है, नहीं बोलोगे क्या। तो अब इसलिए तुम बोल सकते हो, इसलिए लिविंग में आते हो। तो अब ये समझाने का मतलब क्या है ना कि देखो जो लिविंग होता है ना इसी में एक सिंबल आता है जिसका नाम है बाबू अपोस्ट्रोफी, क्या बाबू अपोस्ट्रोफी। यानी हम पोसेसिव केस में अधिकार दिखाने के लिए अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। जहां कहीं अधिकार दिखाना है, जहां कहीं अधिकार दिखाना है हम बाबू क्या करेंगे अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे, क्लियर। लेकिन अनर्जीव में हम क्या अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे, क्योंकि अपोस्ट्रोफी एस का मतलब ही होता है अधिकार दिखाना। तो बाबू ये तुम्हारे कहां प्रयोग होंगे, लिविंग के साथ, नॉन लिविंग के साथ प्रयोग नहीं होगा। प्रयोग होता कैसे है थोड़ा ये देख लेते हैं बाबू। पहला बात है प्रयोग कैसे होता है, तो तुम्हारा बाबू का स्ट्रक्चर आएगा ऐसे, जैसे तुम्हारा आएगा राम्स हाउस, राम की घर है कि नहीं, राम की घर। या बाबू तुम्हारा ऐसे आ जाएगा हाउस ऑफ, तो बाबू कितना आदमी क्या करेंगे, जैसे हम यहां पर कहते हैं क्या रेखा की कलम, ऐसा लिख दिए। देखो का के की जो होता है ना, तो वो आज के बाद कहीं भी का के की दिखाई पड़ जाए, से में कुछ भी दिखाई पड़ जाए तो बाबू जोड़ने का काम करता है। इस बाबू क्या होता है कनेक्टर, क्या होता है कनेक्टर। और जो कनेक्टर होते हैं ना वो वास्तव में बाबू ऐसे बनते हैं, कैसे बनते हैं ऐसे, यानी पेन पहले लगाएंगे ठीक है, फिर बाद वो पेन है, अगर वो पेन तो बाबू होगा नहीं क्योंकि एनर्जी हो गया, तो ऐसी स्थिति में बाबू तुम क्या लगाओगे ऑफ लगाओगे ठीक है, पेन ऑफ रेखा ठीक है। देखो जब सजीव रहे अधिकार दिखाना रहे तो तुमको इसको फ्लो करो ज्यादा बढ़िया रहेगा ठीक है। नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन का यूज मत करो, ये अच्छी बात मतलब अच्छा नहीं लगता है वो देखने में, है कि नहीं है। जब आप कनेक्टर का काम करें तुमको कैसे बनाना है, पहले पेन को लाएंगे फिर ऑफ लगाएंगे फिर रेखा को ले जाएंगे ठीक है ना। ये नहीं कि बाबू कहना रेखा ऑफ पेन ऐसे नहीं बनाते ना, इंटरनलेशन बना रहे हैं। तो जब भी कनेक्टर लगा रहे तो पेन पहले लिखाएगा
फिर वहां काके की इंग्लिश ऑफ होता है, बाद में फिर देखा चला जाएगा, ठीक है। ना लिविंग में बाबू कोई रहे, जैसे बाबू तुम बोलते हो ना बेंच की टांग, मतलब कुर्सी की टांगे, तो बाबू इसको कैसे बनाओगे? तो आज देखो इसमें जो है ना तुम्हारा ये राम्स हाउस तो लिख रहे हैं यहाँ पे, लेकिन जब बाबू तुम वो टंगड़ी दे दे किसका, कुर्सी का, तो आप तो कुर्सी तो नरजीव है, तो क्या आपको रुपये लगेगा? हम ये बोलेंगे चेयर्स लेग, क्या हम बोलेंगे चेयर्स लेग? तुम ही बताओ, क्या मैं चेयर्स लेग बोलूंगा? नहीं बोलेंगे। बाबू हम कैसे लिखेंगे उसको? ये लिखना बाबू गलत है, क्या लिखेंगे बाबू? लेग्स ऑफ चेयर, लेग्स ऑफ चेयर, ऐसे बाबू लिखते हैं, लेग्स ऑफ चेयर लिखेंगे। तो बाबू जब तुम्हारा बाबू लिविंग हो इसको जरा फॉलो करना, समझे कि नहीं? ये सबसे बढ़िया हो गया, ये भी चलेगा, ऐसा नहीं गलत है, चलेगा जरूर, ठीक है। जब तुम्हारा बाबू क्या हो, नरजीव आए, तो अपोस्ट्रोफी का बिल्कुल प्रयोग नहीं करना है, ये पूरा पूरा चलेगा, यही चलवे करता है बाबू इसमें, समझे बात? पहला क्या पूछ रहे बाबू कि जब सजीव आएगा तो अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करना है, नरजीव आएगा तो अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं करना है, ये बात समझ में आ गया? ये क्लियर हुआ? बोलो, तो नरजीव के साथ अपोस्ट्रोफी एस लगाओगे? सजीव के साथ लगाओगे? सजीव के साथ ऑफ लगा सकते हो, इसे तो ऑफ ही लगा सकते हैं और अपोस्ट्रोफी एस का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो बाबू पहले लिखो कि पोसेसिव प्रोनाउन है क्या, ये जाना पड़ेगा ना, लिखो पहले पोसेसिव प्रोनाउन, सॉरी नाउन, पोसेसिव केस लिख दो, पोसेसिव केस लिखो, पोसेसिव केस लिखो। तो बाबू क्या होता है डिफिनेशन इसका, व्हेन अ नाउन, व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन, प्रोनाउन इज यूज्ड to show, ठीक है बाबू, when a noun or pronoun is used to show possession and ownership in a sentence is called possessive case, यानी किसी भी सेंटेंस में हमको ये सेंटेंस दिखाए, अधिकार को दिखाए, या बाबू उसका जो स्वामी है स्वामित्व को दिखाए, किसी सेंटेंस में बाबू तो हम क्या समझेंगे, ये possessive case है। यानी इसलिए लिखा है when a noun या pronoun is used to show possession and ownership in a sentence is called possessive case, ठीक है, समझ गए बाबू? When a noun or pronoun is used to show possession and ownership in a sentence is called possessive case. यानी बाबू किसी चीज में तुमको ये दिखाई पड़े कि लगेगा तुमको सेंटेंस में क्या है बाबू, जैसे बाबू possession माने अधिकार, ownership माने स्वामित्व, जैसे बाबू हम अपने कोचिंग के मालिक हैं, तो ownership है ना मेरा, है कि नहीं है? तो बाबू जब हमको ownership का बोध हो तो बाबू हमने कोचिंग के साथ क्या लगाएंगे, सर कोचिंग नहीं बोलोगे ऐसे? तो ऐसे बाबू तुम्हारा क्या है ना, जैसे सेंटेंस में तुमको दिखाई पड़े तो बाबू अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करोगे, जब लिविंग होता हो, लिविंग ना हो तो क्या लगाओगे बाबू, ऑफ लगा के भी बनाएंगे, क्लियर हो गया? चलो आप देखो बाबू आप कुछ सीखते हैं इसमें, इसको बाबू रिलीज करते डिफेंस को रिलीज करते, चलो आप मैं चीज सीखेंगे इसमें, आप देखो बाबू क्या है ना, आप देखो ये बाबू तुम्हारा क्या है लिविंग, तो जान रहे हो कि भाई हमको अपोस्ट्रोफी ऐसे ही पढ़ना है, और जिस केस में बाबू 7 से 8 क्वेश्चन एनडीए सीडीएस में कुछ भी परीक्षा तुमको पूछे तो देखना अपोस्ट्रोफी नाउन से बाबू क्वेश्चन अपोस्ट्रोफी ऐसे ही आता है, तो हमको इसमें पढ़ना है अपोस्ट्रोफी एस। देखो बाबू क्या हो जाएगा, तो जब हम सिंगल प्रोनाउन पढ़ाए थे इसमें बाबू एस लिखे थे, ठीक है, फिर बाबू डबल एस लिखे थे, फिर तुम्हारा बाबू एस एच लिखे थे इस सारे का उच्चारण बाबू क्या होता है, श, क्या होता है बाबू, श होता है, ये सारे का उच्चारण बाबू क्या होता है, श होता है। तो हम ये तुम्हारे कहेंगे ना कि बाबू देखो थोड़ा सा कि हमको अपोस्ट्रोफी लगाना है, तो बाबू जैसे हम बॉय बाबू क्या है लास्ट में बॉय आया है, तो क्या हम बोल सकते हैं बॉयज, या तो आप लड़के तो बाबू सजीव है तो अपोस्ट्रोफी का प्रयोग तो कर सकते हैं,
लेकिन बाबू यही बॉय, उनको बॉय लिख के आ जाए लड़के, तब क्या करोगे? तब क्या करोगे? क्या अपोस्ट्रोफी लगाओगे? क्या पुल्लव नॉन के बाद अपोस्ट्रोफी लगता है? यस या नो? क्या पुल्लव नॉन के बाद अपोस्ट्रोफी लगता है? अरे यस नो बोलो, यस या नो? नो, पुल्लव पहले से एस लगा हुआ है, तुम्हारा कहना एकदम जायज है कि सर जी पहले से एस लगा हुआ है तो अपोस्ट्रोफी नहीं लगाए। देखो यहां लगाओ, इसमें एस नहीं लगना है, इसे वाइजस वाइजेस ऐसा नहीं करना है। बस बाप जब पुलर दे दे लड़के की कल में ऐसे आ जाए तो बाप देखो वॉइस ऐसे वाला लगा के पेन लिख दोगे पेंस, तो थोड़ा बाप हो गया क्योंकि लड़के हैं तो बाप कल में भी तो होंगे लड़के बहुत पेन। ये ठाकुर सही बात नहीं हुआ, लड़के अधिक तो पेन भी अधिक, सीधी सी बात है। तो देखो जब पुलर आ जाए, जब तुम्हारा पुलर आ जाए तो बाबू सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगाएंगे, एस नहीं लगाएंगे। ये कुछ इसके अपवाद हैं, जो पुलर भी होंगे फिर भी अपोस्ट्रोफी लगाएंगे। ये कैसा होता है स्कूल पर देख लेते हैं तो अच्छा रहेगा। आप देखो मेरे भाई, तो ना मास्टर लिखते हैं एस एस, पढ़ाने लगते हैं कुछ हो, आप तो गजबे खेला खेलते हैं, लिखे यहाँ पे एस एस लिख दिए बॉय, आप पांडे जैसे कर देते हैं। देखो हम पांडे जी नहीं है, देखो यहाँ पे आप देखो यहाँ पे लिख दिया हम वुमन, वुमेन लिख दिए बाबू। अब बताओ हम जानते हैं वुमेन बाबू क्या है, सिंगुलर है कि प्लुरल है? प्लुरल है बाबू, मैन का प्लुरल मेन होता है तो मेन लिखा हुआ है यहाँ पे। क्या इसके लास्ट में सौ है? इसको पढ़ते तो सौ है लेकिन बाबू प्लुरल है कि नहीं है बोलो है। तो बाबू इसमें अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होगा, होगा एस का प्रयोग, क्योंकि हमको उच्चारण में बाबू क्या होना चाहिए, सौ सौ नहीं होना चाहिए। बोले सर इसमें उच्चारण पहले से इसमें है बॉयस, पहले से सौ लगा हुआ था इसलिए बाबू हम अपोस्ट्रोफी से लगा के काम चला लिए। लेकिन भाई इसमें सौ का उच्चारण नहीं हो रहा है तो बाबू हम वुमेन्स लिख दिए। अब समझ में, पिछले बाबू हम लिख देंगे यहाँ पे मेन सैलून, ऐसे बाबू लिख सकते हैं, लिख सकते हैं बोलो बोलो, नहीं लिख सकते हैं क्या? देखो जिसका उच्चारण लास्ट में सौ हो तो सिर्फ बाबू क्या लगा लेंगे, अपोस्ट्रोफी लगा के काम चल जाएगा। जैसे किसी का नाम ही बाबू हो, जैसे महेश, महेश, अब महेश में बाबू सौ लास्ट में आ ही रहा है खुद, तो आदमी सोचता है कि मास्टर सिखाए महेश तो एक वो आदमी है, सिंगुलर हुआ, ठोक दो बाबू ऐसे महेश है, क्या तुमको पढ़ने में अच्छा लग रहा है? जब बाबू लास्ट में सौ का उच्चारण हो जाए, जब लास्ट में बाबू सौ का उच्चारण आए तो बस तुमको बाबू अपोस्ट्रोफी लगा के काम चलाना है, नहीं लगाएंगे ऐसे। हो गया अपोस्ट्रोफी ऐसे लग गया यहाँ पे, समझो कि क्या तुम्हारा ये तुम्हारा क्या हो गया, अधिकार दिखा रहा है खुद ही, तुमको नहीं लगाना है ऐसे बात। इस बाबू और देखो, और कुछ देख लो तो बाबू समझ में आ गया ना। जैसे बाबू हम लिख देंगे ट्रेंस, ट्रेंस बाबू लिख दिए, क्या बाबू ट्रेंस में ऐसा लगे क्यों लगेगा बोलो, कैसे अपोस्ट्रोफी ऐसा लगाओगे इसे? जैसे बाबू लिख देंगे तुम्हारा हम इंडियाज, इंडियाज ये बाबू हो सही है कि गलत है? कहे क्यों गलत है इंडियाज? अभी रूल बाबू पढ़ा ही नहीं रहे, बस समझाने की कोशिश किया जा रहा है, क्यों गलत है इंडियाज? ये सही है, सही है ना? चलो ठीक है, अब क्यों सही है क्यों गलत है अब देखो। लिखो इसमें जब किसी हमेशा वाली दो सब ऐसे लिखो, जब किसी शब्द का उच्चारण, जब किसी शब्द का उच्चारण का अंत, ऐसे वाली दोनों सोचो यहां, किसी शब्द का अंत, यदि किसी शब्द का अंत एस कामा डबल एस कामा एस एच से हो तो, यदि किसी इंग्लिश शब्द का अंत एस कामा डबल एस कामा एस एच से हो तो उसके बाद अपोस्ट्रोफी, अपोस्ट्रोफी ऐसे लिखना अपोस्ट्रोफी, अपोस्ट्रोफी ट्रोफी का प्रयोग करते हैं। अपोस्ट्रोफी का मतलब क्या होता है बाबू? ऐसे साइन, ठीक है, अपोस्ट्रोफी का प्रयोग करते हैं ना कि अपोस्ट्रोफी एस का।
आप अपोस्ट्रोफी वाइज कैसे लिखोगे, ऐसे लिखना है तुम्हें, ठीक है ना, कि अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। क्लियर क्लियर, जब लास्ट किसी शब्द का एंडिंग क्या हो जाए, कोई भी शब्द हो तो एंड किसे करे, एस डबल एस 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 हो तो अपोस्ट्रोफी का प्रयोग करते हैं, ना कि अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं, ठीक है क्लियर। चलो आप देखो बाबू, ये सुना के बाबू, एग्जाम्पल सुना के ना, एग्जाम्पल भी लिखना है, महेश ऐसे ना, यहाँ पे सवाल है एग्जाम्पल में, तो बाबू यहाँ पे क्या होगा, अपोस्ट्रोफी एस नहीं होगा, इसलिए बाबू कैसे लिखेंगे हम लोग, महेश अपोस्ट्रोफी, ठीक है ना, सुरेश अपोस्ट्रोफी, दुर्गेश अपोस्ट्रोफी, एस नहीं लगाएंगे इसमें, किसी भी हालत में एस नहीं लगाना है, बिल्कुल नहीं लगाना है, ठीक है। चलो बाबू आप देखो बाबू, इसमें आप दूसरा बात देख लेते हैं, अभी रूल बाबू नहीं लिख पा रहे हैं ना, आप देखो ए प्लस बी है, ठीक है, इसका प्रोडक्ट बाबू क्या आएगा, सी आएगा, अरे बाबू क्या हो, सेम फैमिली का हो, सेम फैमिली, यदि बाबू ए प्लस बी हो और इसका प्रोडक्ट बाबू सी हो, ये बाबू सेम फैमिली का ना हो कि अदर फैमिली हो, तब बाबू क्या होगा, आप देखो बाबू जब एक ही फैमिली हो तो आप अपोस्ट्रोफी एस तुमको यहां लगाना है, ठीक है, जब अलग अलग फैमिली हो तो बाबू दोनों में अपोस्ट्रोफी लगेगा, बोला मास्टर समझ में नहीं आया अच्छे से, बोलेगा कि नहीं बोलेगा कि समझ में नहीं आया, ये क्या लिखे सर जी मेरे को समझ में नहीं आया, सेम फैमिली क्या होता है, अदर फैमिली क्या होता है, कुछ भी समझ में नहीं आया, तो देखो बाबू क्या होता है ना, जब सेम फैमिली हो अर्थात बाबू हम इसे लिखने की कोशिश कर रहे हैं, देखो दीपा प्लस है बाबू, इसका मतलब एंड लिखा है, दीपा एंड सुनैना, सुनैना मदर, दीपा और सुनैना की मां, यानी बाबा दोनों की मां एक ही है कि नहीं, बोलो, दीपा एंड सुनैना की मां, तो देखो बाबू एक ही फैमिली का है कि नहीं है, बोलो, तो बाबू हम यहाँ पे अपोस्ट्रोफी लगाए, यहाँ पे लगाए, तो बाबू कहाँ लगाएंगे, इसमें लगा देंगे बाबू, बस हो गया, दीपा एंड सुनैनाज मदर, ठीक है क्लियर, दीपा एंड सुनैनाज मदर, यानी बाबू जब तुमको एक ही फैमिली के हो तो बस यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस लगा देंगे ना, मेरा काम बाबू कर जाए तमाम, ठीक है। अब यहाँ मदर से नहीं कर दोगे कि भाई दो के माँ है, अरे दोनों के माँ है, तो सोचता है कि दो को माँ हो जाएगा, ऐसा बाबू नहीं काम करना है, क्योंकि माँ एक ही है, दोनों की माँ एक ही है, घर में बाबू तीन चार संतान हो तो माँ एक ही होती है, ठीक है ना, तो बाबू सुन रहा है ना, लेकिन बाबू इसी को आप बोलो सर ये क्या है, ये समझ में नहीं आ रहा है, तो इसको भी क्लियरफाई कीजिए ना, तो बाबू करते हैं, मान चलो कि बाबू कन्हैया, कन्हैया एंड रामू, रामू वाइफ, ऐसे बाबू लिख दिए कन्हैया एंड रामू वाइफ लिख दिए, जब आप कन्हैया और रामू का वाइफ लिखा गया तो बाबू कहाँ लिखाएंगे, हम पुष्पी कहाँ लगाएंगे, यहाँ पर लगा दो, अरे यहाँ पर लगाएंगे तो बाबू क्या हो जाएगा, कन्हैया और रामू का एक वाइफ है, तो बाबा लोग क्यों का बोलो, गोली चलने लगेगा है कि नहीं, तो बाबू कन्हैया रामू, रामूस वाइफ नहीं बोलेंगे, कन्हैयास एंड रामूस वाइफ नहीं होगा, तो बाबू दो को पत्नी हो जाएगी, यानी इसकी पत्नी और इसकी पत्नी, तो बाबू देखो एफ ही लास्ट में हो, एफ ही उठाकर बी एस लगाते हैं, अब बाबू जाके सही हुआ, आया बात समझ में, जब बाबू अलग अलग फैमिली का हो तो बाबू दोनों में अपोस्ट्रोफी लगाएंगे, जब सेम फैमिली का हो तो सब बाबू लास्ट में अपोस्ट्रोफी लगाएंगे, बोलो समझ में आया कि नहीं आया, देखो इंग्लिश कितना आसान है, नहीं समझ में आया, दीपा सुनैना की माँ बाबू एक ही है, देखो लिखा हुआ है जब ए प्लस बी सेम फैमिली का हो, अस्सी बाबू देखो माँ हुआ ना एक तरफ से, ये दो को संतान हो गया, ये तुम्हारी माँ होगी, तो माँ है बाबू एक ही फैमिली का है, तो अपोस्ट्रोफी लास्ट में लगाते हैं, देखो बीबी है तो बाबू अलग अलग फैमिली की है ना, बीबी तो बाबू एक ही दो व्यक्ति का एक हो नहीं सकता है, तो देखो इसलिए बाबू कहाँ दोनों में अपोस्ट्रोफी लगाना पड़ा मुझे, ठीक है ना बाबू, ऐसे लगाएंगे इसलिए इसमें छोड़े हुए हैं,
ठीक है ना, तो बाबू समझ में आया कि नहीं बोलो। अरे क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है? आप लिखो बाबू, अप्लाइड केस ऑफ नाउन, अप्लाइड केस ऑफ नाउन, अप्लाइड केस ऑफ नाउन, अप्लाइड केस ऑफ नाउन, अप्लाइड केस ऑफ नाउन। जल्दी लिखो, पहला पहला लिखो इसमें, किसी किसी टाइम स्विंग, किसी भी टाइम स्विंग, किसी भी टाइम स्विंग शब्दों के साथ, किसी भी टाइम स्विंग शब्दों के साथ अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होता है, किसी भी टाइम स्विंग शब्दों के साथ अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होता है, किसी भी टाइम स्विंग शब्दों के साथ अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होता है। जैसे मेरे भाई देखो, यहाँ पे देखो 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 तो लोग फिर फंस जाएगा। जैसे वो बोलेंगे टाइम स्विंग है, तो टाइम को स्टार्टिंग होता है क्यों होता है बोलो, क्या स्टार्टिंग टाइम नहीं दिखा रहा है? अरे बोल लगा कथा सब, तो आप क्या लिखेंगे? स्टार्टेज स्टार्टेज न्यू, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिखते बोलो? अरे बोलो, टुमोरोज प्लान, एकदम सही है कि नहीं बोलो? 10 आवर्स मीटिंग, एकदम सही है कि नहीं बोलो? बोलो 10 आवर्स मीटिंग, एकदम सही है कि नहीं? सही बोलो, अरे एकदम सही है कि नहीं है बोलो? सही है ना? ये तो गलत हो जाएगा फिर, बोलो यार मास्टर का है, कैसे गलत हो गया? आप ही ना कहते पंडित जी से कर देते हैं। आप देखो बाबू, तो बाबू 10 पेन, 10 पेन्स लिखते हैं, 5 बॉयज लिखते हैं, तो बाबू क्या ये आवर घंटे नहीं बोलते? 10 घंटे बोलते, 10 घंटा, 10 घंटा बोलता है क्या? 10 घंटे बोलते हैं। तो बाबू 10, ये तुम्हारा बाबू आवर्स होगा कि नहीं होगा बोलो? अच्छा बाबू, ये आवर्स है, जब प्लुरल है तो बस अपोस्ट्रोफी लगाते हैं, तो बताए थे जब प्लुरल हो तो खाली अपोस्ट्रोफी से काम चलाते हैं, तो बाबू ये गलती होगी कि नहीं होगा बोलो? बाबू 10 आवर्स मीटिंग, वो गलती ना हो इसलिए एग्जाम्पल दिया जाता है कि गलती ना होना चाहिए बाबू। आप सीखो, अच्छे से सीखो, तभी देखा रहेगा तभी पेपर में आता है, दिमाग चलता है, नहीं देखे रहोगे तो पेपर दिमाग नहीं चलता है। समझ में आया कि नहीं बोलो? समझ में आया कि नहीं बोलो? अब लिखो, फिर लिखो केस रूल नंबर 2। हाँ हाँ लिख के चलो, लिखो बाबू, रूल 2 लिखो, जब जब नेक्स्ट लिखो, किसी स्थान और देशों के नाम के बाद, किसी स्थान या देशों के नाम के बाद, किसी स्थान या देशों के नाम के बाद अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होता है, किसी देशों या स्थानों के नाम के बाद अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होता है। जैसे देखो बाबू, होता है जैसे देखो बाबू, एग्जांपल देखो, इंडियाज इंडियाज इकोनॉमी ग्रोथ नहीं लिख सकते बाबू बोलो तो? इंडियाज अपने देश का नाम है बाबू। आप देखो जैसे बाबू, बांसडी स्थान है बाबू कि नहीं बोलो? जैसे पावर क्राइसिस का मतलब होता है बिजली संकट, पावर क्राइसिस, बांसडी पावर क्राइसिस, ठीक है बाबू? तो बाबू देखो, स्थान है लेकिन फिर भी अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होते हैं, तो बाबू जब स्थान आ जाए, देश का नाम आ जाए, तो आंख बंद करके तुम अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करना, ठीक है? क्लियर?
क्लियर, प्रोडक्ट दे रहे बाबू, ठीक है, आज के इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।